हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी की 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी नीट एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, डायप्सनिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच शॉर्टनेस ऑफ। डायप्सनिया ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें दोस्तों क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि डायप्सनिया ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड कैंसर इज नोन एज। ब्लड कैंसर को और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, हेमोलाइसिस, ल्यूकेमिया, हेमोफीलिया या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है दोस्तों जिसमें ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पाइरुवेट। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये कहां पे होता है, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन बॉडी के दोनों लंग्स में टोटल कितने लोब्स यानी पार्ट्स होते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों टोटल 5 लोब्स इन बोथ लंग्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी के दोनों लंग्स में टोटल 5 लोब्स होते हैं, जहां पे राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं तो लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आयोडी। इनमें से कौन सा कॉपर रिलीजिंग आयोडी है। आयोडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसको फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा आईयूडी इसमें से कॉपर रिलीजिंग है, यानी कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है, लिपेस लूप, मल्टीलोड 375, एलएनजी 20 या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, मल्टीलोड 375। इट्स अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस ऑफ ए ह्यूमन मेल। यानी कि ह्यूमन मेल के ईच टेस्टिस में, यानी कि ह्यूमन मेल के टेस्टिस में टोटल कितने नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के हर टेस्टिस में अप्रोक्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और दोनों में मिला के अप्रोक्स दोस्तों 500 होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन मेल के टेस्टिस में, ह्यूमन मेल के एक टेस्टिस में अप्रोक्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्रब्यूल, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और दोनों टेस्टिस मिला के 500 होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन मेल के एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और दोनों मिला के 500। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स ऑफ ह्यूमन इज नोन एज। यानी कि ह्यूमन बॉडी के दो लंग्स के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको मीडियास्टिनम कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के दो लंग्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच आर सेल्फ रिप्रोड्यूस। तो इसका आंसर है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। यानी इसमें कहा गया है कि माइकोप्लाज्मा हमारे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जो खुद ही रिप्रोड्यूस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड का ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट सेल है, यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस होता है, जो खुद रिप्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा जो है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसे PPLO भी कहते हैं, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसका दूसरा नाम है PPLO, ठीक है दोस्तों। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, दैट इज माइकोप्लाज्मा, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द यू शेप्ड बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी भी हड्डी है जो यू शेप्ड होती है, कैसी, यू शेप्ड। तो ह्यूमन बॉडी की ऐसी कौन सी बोन है जिसका शेप यू की फॉर्म में होता है, रेडियस बोन, अल्ना बोन, हायोड बोन या मेटाकार्पल। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हायोड बोन। तो हायोड बोन ये एक यू शेप्ड बोन होती है दोस्तों, जो कि ह्यूमंस के नेक में प्रेजेंट होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोन रेगुलेट्स दी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बॉडी के BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको थायरॉइड हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि ह्यूमन के नेक में सिचुएट रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, एलिफेंटियसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय। एलिफेंटियसिस दोस्तों ये एक डिजीज है, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमंस के जो पैर होते हैं लेग्स, वो बिल्कुल हाथी की तरह हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ा है एलिफेंटियसिस। तो ये कौन से पैथोजन के द्वारा होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये एलिफेंटियसिस का क्या है, पैथोजन है, जिसकी वजह से एलिफेंटियसिस नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी की जो लोअर लिम्फेटिक वेजल है, इसमें लिम्फ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो लिम्फेटिक वेजल है उसमें स्वेलिन हो जाती है, एंड स्वेलिन होने की वजह से जो लोअर पार्ट जो है लेग का, वो हाथी की तरह फुल जाता है, हाथी की पैर की तरह, इसलिए इस बीमारी का नाम एलिफेंटियसिस पड़ा है, या इसको फिलेरियसिस भी कहते हैं। तो ये कौन से पैथोजन से होता है, विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जब कैंसरस सेल, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब कैंसरस सेल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब फैलता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा जाता है। यानी कि बॉडी के अंदर जब कोई भी कैंसरस सेल बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलता है, देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय विच टेक्निक। यानी कि जो डीएनए फ्रेगमेंट का जो सेपरेशन है, वो कौन से टेक्निक के द्वारा किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, या वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक तरह का टेक्निक है जिसका यूज हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए करते हैं बायोटेक में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला कौन सा ह्यूमन हार्मोन बनाया गया था, तो इसका आंसर है दोस्तों इंसुलिन, इसको ह्यूमुलिन भी कहते हैं। तो इंसुलिन जो है ये वर्ल्ड का पहला ऐसा ह्यूमन हार्मोन है जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक के मेथड से बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ नॉर्मल मैन। यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उनके यूरिन में जो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 0 mg/ml। यस, कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमन के यूरिन में जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो जीरो होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता। अगर किसी भी ह्यूमन के यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है, तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन के यूरिन में जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो 0 mg/ml होता है, लेकिन अगर किसी भी ह्यूमन के यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 0 mg/ml। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज नोन एज। यानी कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है दोस्तों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स जो एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द होमो हैबिलिस। दोस्तों होमो हैबिलिस ये हमारे एक पूर्वज है, ये हमारे एंसेस्टर है। कौन? होमो हैबिलिस। तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी हुआ करती थी, तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी के बीच में हुआ करती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों एओर्टा, जो कि एक टाइप की आर्टरी होती है, जो कि ह्यूमन हार्ट से ये अराइज होती है और बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। कौन? एओर्टा। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मेल टेस्टिस। ह्यूमन मेल के टेस्टिस की सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे क्या कहा जाता है,
देखो दोस्तों, मैंने आपको एक बार बताया था कि ह्यूमन मेल का जो टेस्टिस है वो तीन लेयर से कवर्ड रहता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज टूनिका वेजिनेलिस, जो सबसे हार्ड एंड टफ होती है। फिर होती है मिडल लेयर टेस्टिस की, दैट इज टूनिका एल्वुजिनिया। और तीसरी है टेस्टिस की सबसे अंदर वाली लेयर, जिसे टूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है, जो काफी थिन होती है, सॉफ्ट होती है एंड हाईली वेस्कुलर नेचर की होती है। तो टेस्टिस की इनर मोस्ट कवरिंग को क्या कहा जाता है? टूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है दोस्तों, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। अनियन बिलोंग्स फ्रॉम विच एंजियोस्पर्मिक फैमिली? जो अनियन है दोस्तों, प्याज, वो कौन से एंजियोस्पर्मिक फैमिली से बिलोंग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों फैमिली लिलियसी। तो अनियन जो है दोस्तों वो फैमिली लिलियसी से बिलोंग करता है। फैमिली लिलियसी को लीली फैमिली भी कहते हैं, जिससे लीली फ्लावर्स बिलोंग करते हैं। तो अनियन भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ अनियन का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों, वो है एलियम सीपा। क्या है? एलियम सीपा, ये साइंटिफिक नेम है अनियन का, जो कि फैमिली लिलियसी से बिलोंग करता है। तो ये है दोस्तों नीट बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।